हरे कृष्णा, राधे राधे। ज्येष्ठ मास अमावस्या आने वाली है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना ज्येष्ठ का होता है। ज्येष्ठ महीने को जेठ का महीना भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है वो बहुत खास तिथि होती है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी पड़ता है। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि इस दिन वो विशेष पूजा करती है। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जल व्रत भी रखती हैं और बरगद के पेड़ और देवी सावित्री की पूजा करती हैं, क्योंकि हमारे इतिहास के अंदर यही कहानी आती है कि जो सावित्री थी वो यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। तो हर स्त्री यही एक उम्मीद करती है, यही भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके प्रेम में भी इतनी शक्ति हो कि उसके पति के जीवन पे कोई आंच ना आए। वट सावित्री व्रत के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। व्रत रखने वालों पर शनि देव की कृपा बनी रहती है। वट सावित्री की पूजा और व्रत बहुत ज्यादा फलकारी माने जाते हैं। सुहागन महिलाओं के लिए वट सावित्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस साल 2023 में वट सावित्री का व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस बार वट सावित्री की पूजा के दिन दो बहुत शुभ योग बन रहे हैं। अब हम थोड़ी ज्येष्ठ अमावस्या के समय की तिथि के समय की चर्चा करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि की जो शुरुआत है वो 18 मई को रात को 9:42 से होगी और ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का समापन 19 मई रात को 9:22 पे होगा। उदय तिथि के अनुसार 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन वट सावित्री की पूजा होगी और व्रत रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह से ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। अमावस्या तिथि का जो स्नान मुहूर्त है वो है 19 मई सुबह 4:49 से 5:15 तक। शनि देव की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 19 मई को शाम को 6:42 से रात को 7:03 तक का है और वट सावित्री की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वह 19 मई को सुबह 5:43 से 8:58 तक का है। इसमें अमृत पूजा का शेष मुहूर्त सुबह 8:15 से 9:56 तक का है। उसके बाद शुभ मुहूर्त सुबह 11:37 से दोपहर 1:18 तक का है। जो महिलाएं सुबह पूजा करना चाहती हैं वो सुबह 4:53 से 8:15 के बीच में पूजा कर ले। इसमें लाभ उन्नति का मुहूर्त सुबह 6:34 से 8:15 तक का है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत के साथ ही शनि जयंती मतलब शनि देव का पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस दिन शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। इसमें शुभ योग बहुत शुभ योग बन रहा है। ऐसे में शनि देव की पूजा करने से हमें बहुत शुभ फल भी मिलेंगे। वट सावित्री अमावस्या के दिन शोभन योग भी रहेगा। साथ ही चंद्रमा मेष राशि में बृहस्पति के साथ रहेगा, जिससे गज केसरी योग बन रहा है। इस विशेष योग में पूजा और व्रत करने से साधक के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है। इन दोनों शुभ योगों के कारण ही इस बार वट सावित्री की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। अच्छा, त्रिदेव के आशीर्वाद के साथ व्रत करने वाली महिलाओं पर शनि देव की भी विशेष कृपा बरसती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में वट सावित्री की पूजा करी जाती है। मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जगहों पर इस दिन व्रत रखने की परंपरा है। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में वट सावित्री की पूजा पूर्णिमा पर, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करी जाती है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि वट सावित्री व्रत को वट सावित्री व्रत ही क्यों कहा जाता है या इसमें बरगद के पेड़ की वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। तो देखो, वट के वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में बरगद के पेड़ के नीचे 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और पार्वती की, गणेश जी के साथ पूजा करती है और सुहाग की चीजों को अर्पित करके
पेड़ में रक्षा सूत्र बांधती है कलावा और परिक्रमा करती है। इसके अलावा प्रसाद के रूप में मौसमी फलों को भी चढ़ाया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष और सावित्री की पूजा करते हैं और सावित्री और यमराज की कथा सुनते हैं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति दीर्घायु होते हैं। दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 3 जून शनिवार को रखा जाएगा। अब हम कुछ चर्चा शनि जयंती की करते हैं। देखो, न्याय के देवता शनि देव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हुआ था। इसी वजह से हर साल ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। शनि जयंती उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या को और दक्षिण भारत में विशाख अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन कर्म फलदाता शनि देव की विधि विधान से पूजा करी जाती है। 19 मई को शनि जयंती को शोभन योग बन रहा है। इस दिन शोभन योग सुबह से शुरू हो रहा है और शाम को 6:17 तक रहेगा। शुभ कार्यों के लिए शोभन योग बहुत अच्छा माना जाता है। शाम को 6:17 के बाद से अतिखंड योग शुरू हो जाएगा। शनि जयंती के दिन का जो शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:10 से दोपहर को 12:04 तक का है। देखो, शनि जयंती के दिन रुद्राभिषेक का बहुत सुंदर संयोग बन रहा है। इस दिन शिव वास गौरी के साथ सुबह से लेकर रात को 9:22 तक का योग बन रहा है। जो लोग शनि जयंती पर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं वो भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। अच्छा, देखो एक और चीज बोलती हूँ, वट सावित्री और शनि जयंती एक दिन होने की वजह से इस दिन आप कुछ उपायों को भी करें, इससे शनिदेव की आपको बहुत जल्दी से कृपा मिल जाएगी। इस दिन वट वृक्ष पर गंगा जल अर्पित करते हुए ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा मिलना पक्का हो जाता है। अब हम कुछ चर्चा ज्येष्ठ अमावस्या की करते हैं। देखो, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही शुभ का दिन होता है। पितृ दोष से राहत पाने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए कुछ भी आप करोगे उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसीलिए इस दिन को ऐसे ही खाली जाने मत देना, कुछ ना कुछ करना जरूर। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए व्रत लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।